हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये क्रोशिया का पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, इसे आप लेडीज जैकेट पे, कार्डिगन पे, जेंट्स स्वेटर पे, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जाली भी बिल्कुल नहीं आती इस डिजाइन में, बहुत प्यारा डिजाइन है फ्रेंड्स। बेबी ब्लैंकेट पे भी बना सकते हैं और उल्टी तरफ से ये इस तरह से दिखाई देता है। तो आइए बना के बताते हैं कैसे बना है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिजाइन। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सके। तो आइए करते हैं स्टार्ट, कैसे बना है ये डिजाइन। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक ये बेसिक रो तैयार कर ली है। इसमें मैंने 20 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, तो इसी पे मैं आपको बना के बताती हूँ कैसे बना है। तो डिजाइन हमने राइट साइड से शुरू करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक बेसिक, हम एक सिंगल क्रोशिया से एक रो बना लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया से एक रो बना ली है, नेक्स्ट रो पे आ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने तीन चेन बना लेनी है, एक दो तीन। और अब देखिए, ये पहली वाली जो चेन है इसमें से हमने एक इस तरह से लूप निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे दो, फिर तीन, चार, पांच। ये देखिए, पांच बार हमने लूप निकाल लेना है और छठा हमारा ये वाला फंदा है, तो इसको साथ लेंगे और इस तरह से सभी को साथ लेके ये देखिए लॉक कर दिया है। और अब एक चेन बना लेनी है। अब देखिए, ये जहां हमने लॉक किया, एक लूप यहां से लिया है, दूसरा लूप हमने यहां से लेना है ऐसे, तीसरा जहां ये स्टार्ट लास्ट वाला है यहां से तीन, चौथा नेक्स्ट चेन में से, और पांचवा फिर नेक्स्ट में से। अब हमारे क्रोशिया हुक पे छह धागे दिख रहे हैं आपको, और छह को हमने एक साथ बना लेना है और लॉक कर लेना है। फिर एक चेन कर लेंगे, एक लूप यहां से लिया, एक दूसरा, देखिए ये जो हमारा लास्ट वाला लूप है उसमें से दो, फिर यहां से लिया तीन, फिर अगले से लिया चार, एक और, फिर पांच, पांच, छह धागे हमारे क्रोशिया हुक पे आ गए और सबको एक साथ बना लिया और लॉक कर लिया। अब एक चेन कर ली, एक लूप, दूसरा, ये तीसरा, ये अगली चेन में जाएंगे, चौथा, अब उससे अगली चेन में जाएंगे, पांचवा, छह धागों को एक साथ बना लिया।
एक चेन, एक दो तीन चार पांच, पांच लूप निकालने हैं हमने और छठा हमारे पास एक स्टिच है वो साथ ऐड करना है और छह को एक साथ ही बना लेना है। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार और ये पांच। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार और एक ये पांच, सबको एक साथ बना लेंगे ऐसे। ये देखिए अब नेक्स्ट रो पे आ गए, एक चेन करेंगे यहाँ पे और देखिए ये एक स्टिच यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब ये जो ऊपर वाला है इसमें एक, अभी फिर ये यहाँ जहाँ पर हमने लॉक कर रखा है वहाँ पे इसी तरह से हमने पूरी रो बना लेनी है सिंगल क्रोशिया से। ये इस तरह से एक रो सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से हमने उसी तरह से बनानी है नेक्स्ट रो जैसे हमने ये फर्स्ट रो बनाई है। जैसे यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया था ये सिंगल क्रोशिया आ गया है हमारा, तो अब एक रो और इसी तरह से ये वाली रो हमारी ऊपर बनेगी। तो अब ऐसे ही ये डिजाइन आगे आगे बनता जाएगा, आप बना के देख लीजिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।